पति की मौत के बाद बहू पर ससुरालियों के जुल्म मारपीट कर घर से निकाला। किरण पत्नी देवेंद्र निवासी नया गांव थाना नाराह जिला ललितपुर मंगलवार को जनसुनवाई में अपनी फरियाद लेकर आई। यहां फरियाद सुनाते हुए किरण ने बताया कि उसके पति की मौत एक्सीडेंट के कारण 17 अक्टूबर 2021 को हो गई। पति की मौत के बाद ससुर महेंद्र, सास ममता, पत्नी महेंद्र, जेठ बंटू, देवर हनुमत, नंद अंजलि, जेठानी सुषमा, देवरानी सिवनी आए दिन परेशान कर रहे हैं। अगर मैं कुछ कहती हूँ तो गाली गलौज कर मारपीट करते हैं। साहब मैं गर्भवती हूँ। 30 अक्टूबर को जब मैं अपने कमरे में सो रही थी तभी लात घूंसों से 11 बजे मेरी पिटाई की गई, शरीर में चोट आई। मारपीट के बाद मेरे सारे जेवर छुड़ा लिए गए, घर से बाहर निकाल दिया और कहा कि वापस आए तो जान से मार देंगे, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। किरण ने बताया कि पति की मौत के बाद उसके जीवन जीने के लिए कोई सहारा नहीं है, अतः उसकी मदद की जाए और लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो। मुझे मेरा पति खत्म हो गया एक्सीडेंट से, घर जा रहा था तो एक्सीडेंट से खत्म हो गया। उन 30 तारीख की 13वीं थी, 13वीं वाले दिन मुझे नाइट में मारा सब लोगों ने देवर। किस बात को लेके? हाँ, किस बात को लेके? अगर यहाँ पे रुकोगी तो हम आपको जान से मार डालेंगे। तो मेरे मायके वाले गाड़ी लेकर गए थे, उनकी गाड़ी का कांच वगैरह भी फोड़ दिया और उन लोगों को मारा। मुझे घर के किसने मारा था? मुझे सब लोगों ने मारा, सास ने, नंद ने, देवर। क्या क्या नाम है? सास का नाम ममता है, देवरानी का नाम शिवानी है, जेठानी का नाम सुषमा है, जेठ ने भी मुझे मारा और ससुर ने भी मारा, मुझे देवर ने भी मारा, मतलब सब लोगों ने मुझे मारा। भगा क्यों रहे थे? भगा मुझे इस वजह से रहे थे कि अब हमारा लड़का मर गया, आपकी कोई जरूरत नहीं है। तो आप अभी गर्भवती हो, कितने क्या महीने, फिर भी आपको भगा रहे थे? हाँ, हाथ पकड़ के भगाया मुझे घर से और रात के 11 बजे भगाया और बहुत लड़ाई की, पूरा जेवर रख लिया मेरा। पापा ने मुझे 5 लाख रुपये भी दिए थे, मेरा पूरा सामान भी रख लिया, कुछ नहीं दिया मुझे। शादी कब हुई थी? शादी मेरी 2018 में हुई थी और मेरी एक बच्ची जी है 2 साल की, मैं एक प्रेग्नेंट हूँ, मेरा पूरे दिन चल रहा है।